राष्ट्रीय जनता दल के नेता अवध बिहारी चौधरी को सोमवार को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। राज्य में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा अध्यक्ष के खिलाफ पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव को 243 सदस्य विधानसभा में 125 विधायकों का समर्थन मिला, जबकि 112 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक पखवाड़े पहले महागठबंधन से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी नित राजग में लौट गए थे। पूर्ववर्ती महागठबंधन सरकार का हिस्सा रहे राष्ट्रीय जनता दल के नेता चौधरी ने अपनी पार्टी के सत्ता से बाहर होने के बाद अपना पद छोड़ने से इनकार कर दिया था। भाजपा विधायक नंद किशोर यादव ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। नीतीश कुमार के विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश जी हमारे आदरणीय थे और हमेशा आदरणीय ही रहेंगे। हम आपको इज्जत देते थे और देते रहेंगे। नीतीश जी ने 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रचा है। एक कार्यकाल में 3 बार शपथ देखी गई। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि क्या कारण है कि आप कभी इधर दिखाई देते हैं तो कभी उधर दिखाई देते हैं। हो सकता है इनकी मजबूरियां रही होगी, लेकिन इनकी क्या मजबूरियां हैं हमें नहीं मालूम। नीतीश ने कहा था कि उनकी पार्टी को तोड़ा जा रहा है, हमें विपक्ष में आने का दुख नहीं है, हम बाहर से समर्थन देना चाहते हैं, लेकिन आपने हमें सरकार में शामिल किया। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्वास मत जीत लिया है। नीतीश सरकार के पक्ष में 120 वोट पड़े, जबकि विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। नीतीश ने हाल ही में राजद का साथ छोड़कर भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई है।